शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जोर पकड़ा गया, बुरा हुआ। ये असला बिना किसी शोर शराबे के हम तक पहुंच जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं। बाकी सामान की खरीद फरोख्त कल से शुरू हो जाएगी और आपका बेस में पहुंचने का इंतजाम हो चुका है। शाबाश। तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा झगड़ा भी हो जाए। देखो बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। जिंदगी में पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला है जिसे देखकर फ्लर्ट करने में मेहनत करनी पड़ी, और हुआ क्या, न नाम न नंबर न पता, चीटिंग है बॉस। आप? You again? मेरा मतलब आप? I don't believe this. Sorry sir. आप यहाँ? क्यों? मैं हर सोमवार को यहाँ आती हूँ, मगर आप? नहीं, दरअसल बात यह है कि आप मंदिर टाइप लगती नहीं। मंदिर टाइप? वो कैसा होता है? आपकी जैसा? भगवान यार, कहा सुना माफ करना। हाँ, वो क्या है ना कि आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे। क्या कहा आपने? जी वो कुछ नहीं, वो क्या है कि भगवान के साथ मेरे ताल्लुकात जरा दोस्ताना है। हमारा आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए आते जाते हैं यहाँ चला आता हूँ, इन्हें भी अच्छा लगता है। मैं ही आपकी बात आई थी, यानी आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कमाल का इत्तेफाक हुआ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस इत्तेफाक को डेस्टिनी कह सकता हूँ। आप और आपकी डेस्टिनी। जाने कहाँ लेके जाएगी मैं, लेकिन फिलहाल तो दोबारा आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है, शायद इसलिए कि आपको आपकी बात याद दिला दूं कि अगर सुरभिधर नाइस नहीं, सिद्धार्थ सिंह 2375 वन सेकंड 2375 313 मैं जब यहाँ आया था तो तेज धूप थी, आपके आते ही मौसम सुहाना हो गया है। एनीवे थैंक्स। वेलकम कहना चाहिए या नहीं पता नहीं। हमारे फ्रूट ऑर्चिड्स हैं और एक्सपोर्ट्स भी। वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं तो वो ब्लडी पायलट्स। जी ये लो फ्लाइंग प्लेन्स बड़ी सिरदर्दी है। मेरे डैड भी एयरफोर्स पायलट थे, बट आई एम सॉरी, मुझे ये प्लेन्स और पायलट्स कुछ खास पसंद नहीं है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान हमले की तैयारी में है और इसकी शुरुआत वो हवाई हमले से करेगा। हवाई हमला शाम या रात को होगा ताकि विजिबिलिटी लिमिटेड रहे। और इस सूरत में हम जवाबी कार्रवाई के लिए कितनी देर में तैयार हो सकते हैं? एक्स ए चीफ अर्जुन सिंह के शब्दों में, विद इन द आवर, एक घंटे में सर। हेलो। ओ हाय, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ओ हाय, क्या हाल है आपके? ये आपके बाप के बहुत फॉर्मल लगता है, हम सीधा तू ताड़क में नहीं उतर सकते? यू आर अ फनी मैन। तो आपको कुछ और हंसाने के लिए आज संडे को मुलाकात हो सकती है? सॉरी, आज तो मैं बाहर जा रही हूँ, कल परसों कभी। करके गए हमसे वो वादा पांचवें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया चार दिन की है। स्टॉप इट नाउ। एनीवे कल बात करते हैं। कल किसने देखा है, आज ही आ जाता हूँ डायरेक्ट। जैसी आप फ्री होती हैं मिलके बात बात करते हैं। यू आर इम्पॉसिबल, सी यू लेटर, बाय। स्वीट गर्ल सिद्धार्थ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम श्रीनगर में रहते कहाँ हो? मैं कहाँ रहता हूँ, वो उधर ही एयरपोर्ट में, मेरा मतलब है एयरपोर्ट के पास। चिकारे में चले? आज नहीं, नेक्स्ट टाइम।
तुमने अभी तक मुझे अपना फोन नंबर नहीं बताया। हाँ मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर नहीं बताया। एक्चुअली क्या है कि हमारे वहाँ के सारे नंबर बदल रहे हैं। एक आध दिन में नया नंबर आ जाएगा, मैं दे दूंगा। वो छोड़ो, ये बताओ तुम अपने फादर के बिजनेस में काफी मदद करती होगी ना? अभी तो शुरू किया है, इसी साल पढ़ाई खत्म हुई है। और लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम क्या करते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वन सेकंड। 15 अगस्त के बाद अचानक इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आते जाते किसी का पांव पड़ेगा तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो सिद्धार्थ, बहुत सी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव। कभी बदलना मत, डोंट एवर चेंज। वो मुस्कुराती आंखें जो हंसना सिखा दे हंसी को, जिनकी खामोश खिलखिलाहट चुपके से दिल की तन्हाइयों में आटे भरते खुशी की, वो तुम्हारी आंखें। भाई वाह 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 भाई वाह। यार इस कमबक शायरी में अपना हाथ तंग ना होता ना तो इस गधे को तुमसे शादी कभी ना करने देता। हे इसको क्या हो गया? हेलो बेस टू ईगल वन, वापस आ जाओ। वो बाबा बहुत अच्छी थी यार। अच्छा बेटा कविता तो तूने सुनी नहीं, अब क्या अच्छी थी ये सीधे सीधे बता दे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ तो हम भी नहीं रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, छुट्टी वाले दिन कहाँ गुल हो जाते हो मेरे खोए खोए चांद। सिद्धू को इश्क हो गया पक्का। क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं श्रीनगर में ही। Well done, brother. This I must see. भाई यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से आई गई, लेकिन ये खूटा तो देखना पड़ेगा जिस पर बन गया अपना हीरो। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम यार। क्यों? मामला वन साइडेड है क्या? सिर्फ तुम्हें इश्क है और अभी इतना खुल के बात नहीं हुई है भाभी। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। तो बता दो, कोई चोरी चकारी तो करते नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे यार उसे पायलट ही नहीं पसंद है। What? चक्की वे दोस्त, छोड़ दे। Shut up. कब तक छिपाओगे? बताना तो पड़ेगा ना? वही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसे सर्विसेज की लाइफ ही नहीं पसंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि देख दोस्त, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर रखी जाती है। अब तुम उसे ज्यादा पसंद हो या तुम्हारा पेशा उसे ज्यादा नापसंद है, ये तो पता करना ही पड़ेगा ना। बाकी सच्चाई जितनी देर से खुले उतनी ज्यादा तकलीफ देती है। तू सिर्फ अपने बारे में से सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला कर। सिद्धार्थ तू? फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह एट योर सर्विस मैम। आपका पायलट्स को नापसंद करना जायज़ है या नाजायज़ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा है, झूठ के पाँव नहीं होते और मुझे सहारा लेके चलने की आदत नहीं है। अब सवाल ये है कि आप मेरे साथ शिकारे पे चलेंगी या मेरे मुकद्दर में किनारे पे बैठना ही लिखा है। बरकत, रहने दो भाईजान, एक बार आप तसल्ली कर लेते तो। तसल्ली मुझे नहीं, इसे करनी है। गाड़ी बिल्कुल सही है भाईजान, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा अपने गुस्से पर है बरकत। और गाड़ी में गड़बड़ निकली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जायज है ना बरकत? जी जी भाईजान। Thank you.
क्या मेरा बच्चा, नींद नहीं आ रही है क्या? डैड, मैं सोच रही थी कि पायलट्स इतने बुरे भी नहीं होते आफ्टर ऑल। ओह रियली? भाई ये तो कमाल की खबर सुनाई आपने हमें। जो ओपिनियन आपका डैड जिंदगी भर नहीं बदल सका वो समीर ने कुछ ही दिनों में बदल डाली। स्मार्ट बॉय, कल ही बात करता हूँ मैं उससे। मैं समीर की बात नहीं करी थी डैड। मतलब? उसका नाम सिद्धार्थ है डैड, बहुत क्यूट है वो, आपको अच्छा लगेगा। भाई जब आपको इतना अच्छा लगता है तो हमें अच्छा ना लगा के मरना है क्या? कॉल है, लेकिन समीर से सब क्लियर है ना? समीर इज जस्ट अ फ्रेंड डैड। इस एल्बम में उसकी हर गर्लफ्रेंड की साइन की हुई फोटोग्राफ एक ट्रॉफी की तरह सजी है। उसके लिए प्यार एक दिमागी बुखार है और कमिटमेंट एक घूंटा। तुमने प्यार किया होगा? श्योर। उसने क्या किया एक बार उसे पूछ जरूर लेना। अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं आप मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, काफी खूबसूरत तस्वीरें काफी संभाल कर रखी है आपने। सुरभि, एक्चुअली ये तुम गलत समझ रही हो। देखो, अब तक नहीं देख रही थी, अभी तो देखना शुरू किया। ये लो, रख लो, इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे ना, तो लगा लो अपने रिकॉर्ड में। बस मुझे मेरा नंबर बता दो, कम से कम ये तो पता लगे कि लिस्ट में मेरी जगह क्या है। ऐसा नहीं है सुरभि। कैसा नहीं है सिद्धार्थ साहब? क्या ये एल्बम आपकी नहीं है, या इसमें लगी तस्वीरें आपकी गर्लफ्रेंड की नहीं है, या फिर इतना बढ़िया प्यार का नाटक सिर्फ रिकॉर्ड में शामिल की जाने वाली मेरी एक तस्वीर के लिए नहीं था? कैसे नहीं है? हाँ, तुम जो देख रही हो वो सही है, लेकिन तुम जो समझ रही हो वो गलत है। I love you यार। Shut up, मुझे shut up। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हेलो सुरभि। सुरभि 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 प्लीज लिसन टू मी यार। गो टू हेल। सुरभि लिसन टू मी। शिट, क्या करूं इसके लिए, कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? You know, Vishu, I feel so lucky. जब भी तुम्हें देखती हूँ, सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने जरूर कभी कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जो अब मुझे याद नहीं। एक विशाल मिलने के लिए एक नूपुर होना भी तो जरूरी है। जब से होश संभाला है तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया मुझे, लेकिन आज भी तुम्हें देखते कर जी नहीं पड़ता। दाद, जाओ, तुम्हारी सॉटी का टाइम हो गया, वापस आकर जी भर कर देखते रहना। Let's go.
Please, of course, sir. Correct, sir. Sir, can you hear me? Shut up! Oh, just shut up! फिर से ऑफ कोर्स क्या हो रहा है? Sir, you okay? I'm okay. भाई लो क्या हो रहा है? Eagle formation. तुम enemy airspace में जा रहे हो. Turn back now. Piper warning. Piper warning. Sid, missiles तुम्हारे पे locked हैं. Ditch left. Ditch left, Sid. तुम्हारी वजह से हमने काबिल पायलट खो दिया. लगातार वार्निंग के बावजूद ऑफ कोर्स जाने की बेवकूफी. इट वॉज ओनली ब्लडी पायलट्स एरर. तुम्हारे जहाज में कोई खराबी नहीं थी. इट वॉज ओनली यू हू. तुम यंगस्टर्स इसे खेल समझते हो? इट्स नॉट ए गेम. इससे किसी की जान जा सकती और गई है. यू शुड बी शॉट. I'm sorry. You're grounded with immediate effect. That will be all. So, Siddharth? Siddharth? Yes, sir. AOC साहब का reaction शायद जरा सा ज्यादा strong था. दरअसल 4 साल पहले उनका बेटा ऐसे ही एक और pilot की गलती से crash कर गया था. He was a very promising young boy. He still hasn't gotten over it. मैं समझता हूँ सर, लेकिन गलती तो मेरी थी और इसकी कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा. तुम्हें लगता है कि ये प्यार है सुरभि के लिए? तुम्हारा प्यार प्यार करना तो दूर, तुम तो उसके मायने भी समझ नहीं पाए अब तक. सिद्धार्थ से हारते हारते थक गया था. सुरभि को हार जाना बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे. मैंने चाहता था और लड़कियों की तरह सुरभि को भी. लेकिन तुम कहीं ना कहीं जानते थे ना कि सिद्धार्थ जिंदगी में पहली बार प्यार करने लगा है. जानते थे ना? शायद सुरभि ने भी कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है. उसका रिश्ता आया था मेरे लिए, इसलिए मैंने मन ही मन सोच लिया कि प्यार कभी खुद कर्ज नहीं होता. समीर, तुमने प्यार का दावा करके इतना दुख दिया सुरभि को,
सिद्धार्थ को भी अंदर ही अंदर तोड़ दिया तुमने। समीर, विशाल की मौत में कुछ हिस्सेदारी तो तुम्हारी भी है। जानता हूं, इसलिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खुद को कोसने से गलतियां सुधरती नहीं, बढ़ती है। अब तुम अपनी गलतियां सुधारोगे या बढ़ाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। थैंक्स पारी, जब जब तुमसे दिल की बात करता हूं कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक्स, थैंक्स पारी। दिल की बात करते हो तो दिल की बात सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि बहरा और अंधा है हिंदुस्तान, जो जंग की दस्तक को दरवाजे पर नकार देना चाहता है। ऐसे मुल्क को एक ही झटके में लूला और लंगड़ा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला कल मगरिब की नमाज तक हमारी जीत का जश्न शुरू हो चुका होगा। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं भाईजान। कुर्बानियों की जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों पर छोड़ दो, हमें सिर्फ जीतना है। इंशाअल्लाह मुकद्दस हजरत बल की कसम, या तो कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं रहेगा या कश्मीर ही नहीं रहेगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन शायद पूरा सच बताने से कतरा गया था। वो जो एल्बम मैंने तुम्हें दी थी वो सिद्धार्थ की थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स की नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की। मैंने तुम्हें वो एल्बम तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर कितनी धूल जमी थी। वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। तुम्हें खोने के साथ साथ अपने आप को विशाल की मौत का जिम्मेदार भी मानने लगा है, और आज तुमसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है। प्यार अगर सच्चा हो तो किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता, भरोसे का भी नहीं। जय हिंद गार्डूम सर। मैं ग्रुप कैप्टन कार्जू बोल रहा हूँ, अभी अवंतीपुर से एयर कमांडर श्रीकांत आने वाले हैं। एयर कमांडर श्रीकांत, मेरा अपॉइंटमेंट है। सब नॉर्मल है, जल्दी बम लगाओ, ताहिर वक्त कम है। एक कमोडो श्रीकांत, ग्रुप कैप्टन काजू का ऑफिस से फोन आया था। वते अफगानी का मिशन आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। व्हाट? ग्रुप काजू? डैम, ग्रुप काजू को तो कल रात फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो हॉस्पिटल में है। किधर गई गाड़ी? सर रडार इंस्टॉलेशन की तरफ। जल्दी जल्दी रहमत, 5 मिनट और है। बस हो गया भाईजान, ये रही गाड़ी, लेट्स मूव। यस सर। भारतीय वायुसेना, इंशाअल्लाह अब की बार हमें हरा नहीं पाएंगे। फायरिंग? आई थिंक रडार से। रडार? या ओ शिट, लेट्स गो। सिद्धार्थ, हाँ तुम यहाँ वेस्टर्स रूम में बैठो, हमारे आने तक कहीं मत जाना, ओके? ओह शिट, कम ऑन,
सर मार लिया। अंदर टेररिस्ट है। गैस मास्क लगा। कैनिस्टर फेंको। ऑन। सर सर। जहरीली गैस फेंक रहे हैं साले। इन। Let's get them. Come on, man. Come on. Yeah, hold on. जनाब फतेह अफगानी का अब तक कोई भी सिग्नल नहीं आया है। श्रीनगर बेस से उनके राडार ब्लास्ट होने की भी खबर नहीं है। हमारे प्लेन्स और ट्रूप्स दोनों स्टैंड बाय पर हैं। आप कहें तो स्टैंड डाउन करा दें जनाब। बेवकूफी की बात जबान पर भी मत लाना कुरैशी। अगर फतेह कामयाब नहीं हुआ है तो हम आज रात की बजाय अभी इसी वक्त हमला बोल देंगे, रुकेंगे नहीं। विशेष सूचना। आज शाम 5:15 पर पाकिस्तानी जहाजों ने जंग का ऐलान करते हुए 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। At approximately 1700 hours today, Indian Standard Time, Pakistan's Air Force bombed 11 Indian air bases. Flying Officer Siddharth Singh reporting as ordered, sir. At ease. Sehgal. Sir, Siddharth, इस वक्त हमें एक-एक पायलट की सख्त जरूरत है। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए तुम्हारी ग्राउंडिंग रिवोक की जा रही है। तुम फौरन अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज के लिए रिपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। ये AOC का आइडिया था सिद्धार्थ। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और हमें उम्मीद है कि तुम अपनी गलतियां नहीं कामयाबियां दोहराओगे। जी हाँ सर, I won't let you down. एक बात याद रखना, यहां जमीन पर जिंदगी दूसरा मौका दे देती है, लेकिन वहां हवा में मौत चील की तरह लपक कर दबोच लेती है, दूसरा मौका नहीं देती। टेक केयर सन, गुड हंटिंग, डिसमिस। थैंक यू सर। Gentlemen, as expected, पाकिस्तान ने उन्हीं दिनों हमला किया जबकि हमने सोचा था। We are ready. We have to hit them fast. We have to hit them deep. And we have to hit them hard. Now, यहां 60 degrees west, पाकिस्तानियों ने एक fuel और ammunition dump establish कर रखा है। हम west से low fly करते हुए आएंगे and bang! Come on.
इन्फॉर्मेशन स्टेयर कोर्स 235.03 सेक्टर 7। दुश्मन का कोई भी जहाज आपके सेक्टर में नहीं है। ईगल लीडर टू कंट्रोल ऑन कोर्स टारगेट इन 3 मिनट्स। टारगेट इन विजुअल रेंज फायर एट विल। सैम रिप्लाई पर तुम्हारे पीछे। पापा वार्निंग। हमें लॉस्ट हिम। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्राउंड बैंडिट्स को हम देखते हैं।